हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वी विल डू होमोफोन्स आज हम होमोफोन्स करेंगे आपने थोड़े से होमोफोन्स फर्स्ट टर्म में भी किए थे ना रिमेम्बर सो लेट्स स्टार्ट होमोफोन्स आर वर्ड्स विथ सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स याद है ना होमोफोन्स क्या होते हैं यस होमोफोन्स मीन्स क्या सेम साउंड जब हम प्रोनाउंस करेंगे उन वर्ड्स को सेम साउंड हो लेकिन उनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स जो हैं डिफरेंट होंगे ओके चिल्ड्रन सो लेट स्टार्ट फर्स्ट इज टेल टी ए आई एल टेल और दिस इज ऑल्सो कॉल का मतलब क्या होता है यस द मंकी हैज अ लॉन्ग टेल और ये टेल क्या होता है स्टोरी ठीक है ना स्टोरी दिस टेल मीन्स पूछ दिस टेल मीन्स स्टोरी एट ए टी एट E -T, eight. अब ये eight क्या होता है, e -A -T -E खाना होता है ना ईट खाना तो ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एटी एट ठीक है मैंने खाना खाया आई एट द फूड एट यानी काउंटिंग आई हैव एट pencils वन वन क्या है यस एट काउंटिंग एंड दिस वन जीत जाना आई वन match फ्लावर फ्लावर दिस फ्लावर मीन्स आटा एंड दिस फ्लावर फूल वेल वेल दिस ए मैमल हमने पढ़ी थी ना डॉल्फिन वाली स्टोरी वेल एंड दिस वेल मीन्स क्राए रोना ऊंची आवाज से रोना गुस्से में सैडनेस में या पेन में रोना ठीक है मेयर एम ए आर ई मेयर एम ए वाई ओ आर इस मेयर मतलब घोड़ी एंड ये मेयर ये मेयर क्या होता है ये लीडर होते हैं इलेक्टेड लीडर होते हैं जिन्हें लोग चुनते हैं ठीक है हमारे सिटी का भी मेयर है तो सिटी के लोगों ने उन्हें चूज किया है लीडर आई आई ये आई का मतलब सबको पता है और ये आई का भी मतलब सबको पता है ना रेड और रेड आप कहोगे मैम तो रीड को रेड पढ़ रही है बट ये रीड जो है यहाँ पे एज अ सेकेंड फॉर्म हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे से. तो रेड रेड रीड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है रेड बोलते हैं उसे स्पेलिंग सेम होता है बट बोलते हैं हम उसे रेड हैं तो ये रेड मीन्स कलर रेड कलर और ये रेड मीन्स पढ़ा मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी आई रेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइड टी आई डी ई टाइड टी आई ई डी टाइड ये टाइड का मतलब है? क्या होता है राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द सी यानी जो लहरों का प्रवाह होता है समुद्र की लहरों का दैट इज प्रवाह धारा ज्वार भाटा जो समुन्द्र का होता है एंड दिस टाइड मीन्स बांधना आई टाइड अ रोप देयर ठीक है मैंने वहां रोप बांधी बांधना स्टील स्टील ये स्टील ये का मतलब एस टी ई एल चुराना और एस टी डबल ई एल स्टील मेटल स्टील के बर्तन होते हैं ना मेटल ब्रेक बी आर ई ए के ब्रेक बी आर ए के ई ब्रेक ये ब्रेक का मतलब राइट टूटना चीप ब्रेक्स माई पेंसिल तोड़ना या क्या यस yes. अब जैसे रिसेस ब्रेक होती है ना तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक और ये ब्रेक यस yes. ब्रेक जो गाड़ी ये कार में होती है गाड़ियों में होती है ब्रेक लगाना ब्रेक लगा के गाड़ी को रोकते हैं ना दैट इज ब्रेक डाई यानी यस yes, मर जाना एंड डी वाई ए डाई मीन्स कलर करना नोट के एन ओ टी नोट एन ओ टी नोट अब ये नोट का मतलब क्या होता है गांठ बांधना ठीक है ना गांठ बांधना और ये नोट का मतलब नहीं देयर टी एच ई आई आर देयर टी एच ई आर ई देयर ये देयर मतलब उनके ठीक है ना द बॉयज आर होल्डिंग देयर पेंसिल्स बच्चों ने लड़कों ने अपनी पेंसिल देयर मींस अपनी ज्यादा के लिए जब आता है देयर देयर मतलब अपनी एंड देयर मींस वहां शी इज सिटिंग देयर वो वहां बैठी है ये देयर दे टी एच ई वाई दे आर बियरिंग देयर न्यू ड्रेसेस उन्होंने अपनी न्यू ड्रेसेस पहनी है अपनी टी एच ई -e आई आर देयर and there means वहाँ blue. -E, blue b-l-u-e blue blue मतलब नीला colour yes and this blue b-l-e-w blue means फूक मारना झटका देना I blew the candles father and father f-a-t-h-r e -R, father मतलब पिताजी and f-a-r-t-h-r e -R, father means दूर घाव भर जाना जखम ठीक हो जाना जैसे जख्म होते है वो ठीक हो जाते है ना ठीक हो जाना हील घाव भर जाना हील नीड के एन ई ए डी नीड एंड डबल ई डी नीड अब ये नीड का मतलब होता है गूंथना मम्मा आटा गूंथती है ना दैट इज गूंथना माई मदर इज नीडिंग द फ्लावर मेरी मम्मा आटा गूंथ रही है एंड दी नीड मीन्स जरूरत जरूरत आई नीड अ पेंसिल लाओ मुझे अभी पेंसिल की जरूरत है लेसन एल ई डबल एस ई एन एल ई डबल एस ओ एन लेसन 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 दिस लेसन मीन्स कम होना दिस लेसन मीन्स कम होना और दिस मीन्स यस योर लेसन मतलब पार्ट पेल पी एल पेल, -E, पेल एल ये पेल का मतलब होता है बाल्टी और इस पेल का मतलब होता है फीका पड़ना या धुंधला होना या पीला पड़ना ठीक है सो दीज आर ट्वेंटी होमोफोन्स और ये होमोफोन्स आप अपनी नोटबुक के पार्ट बी में लिखेंगे किस में लिखेंगे पार्ट बी में क्लियर चिल्ड्रन